नमस्कार, मैं सीमा त्रिपाठी। मेरे चैनल इजी लाइफ विद सीमा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी सब्जी जो अगर जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उनके लिए ये सब्जी बिल्कुल परफेक्ट होगी, क्योंकि ये मैं इतनी ज़्यादा चटपटी और इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाने जा रही हूँ कि आप इस तरह की सब्जी इससे पहले कभी नहीं खाए होंगे। और मैं ये नए तरीके से सब्जी बनाऊँगी और इतना ज़्यादा ये स्वादिष्ट होता है कि अगर इसको आप एक बार खाएंगे तो वो आपको बार बार बना के खाने की इच्छा होगी। तो अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो भी आपको ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ वेज अंडा करी। फ्रेंड, आप इसको ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है और मैं इसको कैसे बना रही हूँ। एक एक स्टेप आप देखिएगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं वेज अंडा करी। तो फ्रेंड, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आलू है, इसको मैं अच्छे से छील ली हूँ और छीलने के बाद इसको मैं गर्म पानी में हल्का सा डाल दी हूँ, थोड़ा सा गुनगुना पानी में मैं रख दी हूँ ताकि ये मुलायम हो जाए। अब एक चक्कू की सहायता से मैं इसमें की अंदर से देखिए ये गोल गोल घुमाते हुए मैं इसमें से एक होल टाइप में बनाऊंगी, एक छेद जैसा मैं बनाऊंगी जिसमें मैं ये आलू देखिए नीचे से मैं अंदर से गोल गोल घुमाती हुई उसमें से मैं ये सब निकाल रही हूँ। आराम से इसको निकालिएगा, थोड़ा सा निकालने में समय लगता है। देखिए इस तरह से मैं एक उंगली मेरी घुस जा रही है इसके अंदर। हमें इसी तरह का होल टाइप में बनाना है और ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंड टेस्टी लगता है खाने में सब्जी। और बनाना देखिए, इसको मैं इस तरह से गोल गोल करके सभी आलू देखिए मैं छेद कर ली हूँ। ये मैं इसको गोदूंगी नहीं, देखिए इसमें से मैं बीच से आलू निकाली हूँ तो इतना सारा आलू मेरा निकल करके ये तैयार हो गया। तो इसको मैं भरावन में यूज करूंगी। तो चलिए पहले फिर मैं मसाला बना लेती हूँ जो इसमें मैं यूज करूंगी। तो ये देखिए, ये टमाटर है, दो टमाटर मैं काट के रखी हूँ, ये तीन हरी मिर्च है और ये 10 लहसुन का कली है और 2-3 इंच के करीब में, 2 इंच के करीब में मेरी ये अदरक है। इसमें अदरक का टेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि ये मैं इसको नॉनवेज के स्टाइल में बना रही हूँ तो थोड़ा सा इसमें अदरक ज्यादा मात्रा होनी होगी तो ये अच्छा ही लगेगा। तो चलिए मैं अब इसके बाद मैं ये आलू को फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, उसमें इस आलू को सब डाल दूंगी और इसको मैं ब्राउन कलर होने तक का इसको फ्राई करूंगी। चलाते हुए मैं इसको घुमा कर चलाते हुए इसको अच्छे से आंच, गैस का फ्लेम मेरा हाई रहेगा और इसको मैं अच्छे से ब्राउन कलर तक, देखिए ये फ्राई हो गया है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। हमें इसी कलर का ये आलू चाहिए था, बहुत ही ज्यादा देखिए बनाना एकदम बिल्कुल, अगर आप इंतजाम कर ली है तो बनाना बहुत आसान है। तो इसमें मैं थोड़ा सा 1/2 चम्मच के करीब में जीरा डालूंगी और उसके बाद इसमें मैं वही धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जो मसाला मैं पीसी थी वो डाल दूंगी, क्योंकि मुझे जो भरावन में बनाऊंगी उसके लिए मुझे मसाला की जरूरत है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालूंगी। और ये जो आलू मैं इस अंदर से निकाली थी उसको मैं डाल दूंगी, उसको अच्छे से भून लूंगी। इसको मैं धीमे आंच, मेरा फ्लेम धीमा रहेगा, इसको मुझे आलू को पकाना। ये पनीर है, थोड़ा सा आधा पनीर मैं इसमें डाल दे रही हूँ और आधा पनीर मैं रखती हूँ, मैं बाद में यूज करूंगी। तो गरम मसाला मैं इसमें थोड़ा डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ थोड़ा, बस ये तैयार हो गया। अब इसको निकाल लेती हूँ। फ्रेंड, जो अंडे के बीच में जो पीले वाला गर्दी होती है वो यही है, मैं उसी को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं इसमें फिर तेल डाल देती हूँ और अब मैं मसाला भून लेती हूँ जो मुझे सब्जी में मसाला डालना है। तो तेल मेरा गर्म हो गया है, अब इसमें मैं डालूंगी ये एक बड़ा साइज का मैं प्याज काटी थी वो मैं महीन चॉप कर ली थी तो इसको मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें मैं मसाले में मैं प्याज नहीं पीसी हूँ तो मैं इस तरह काट के ही इसमें मसाला में प्याज डालूंगी, इससे मसाले में जो है इसका स्वाद और भी ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथ से मैश करके डाल, तो फ्रेंड ये कसूरी मेथी इसको मैं डाल दे रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसको अच्छे से चला लूंगी ताकि ये भुन जाए और इसका स्वाद इसमें आ जाए प्याज में।
अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी एक बड़े चम्मच के करीब में हल्दी पाउडर। ये मैं मेरा चम्मच छोटा है इसीलिए मैं दो चम्मच के करीब में डाली हूँ। तो अब इसमें बहुत सारा हम धनिया पाउडर डालेंगे, क्योंकि धनिया पाउडर इसमें डालने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये स्पाइसी सब्जी मैं बना रही हूँ तो इसमें धनिया पाउडर आप डालेंगे। ये मेरी कसूरी ये कश्मीरी मिर्च है, आप इसमें लाल मिर्च भी डालिए, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब ये जो मसाला मैं पीसी थी वो इस मसाला भी मैं इसी समय डाल दूंगी। ये अदरक लहसुन का और टमाटर का पेस्ट है, इसको मैं इसमें डाल करके और अच्छे से भूनूंगी जब तक कि ये तेल ना फेंक दे। तो चलिए तब तक मेरा ये जब तक मसाला भून रहा है तब तक मैं अपने आलू में इसमें थोड़ा नमक मैं पहले डाली थी तो थोड़ा नमक मैं इसमें और डालूंगी और इसको अब मैं भूनने के लिए छोड़ दूंगी। गैस का फ्लेम मेरा मीडियम रहेगा, मीडियम टू लो रहेगा और इसको मैं अब भूनने दे रही हूँ। तो चलिए मैं तब तक आलू को भर लेती हूँ। तो ये आलू मेरा देखिए जो मैं पीसेस छेद की थी तो उसमें मैं अच्छे से बिल्कुल दबा दबा करके ये आलू का जो मैं भरावन रखी हूँ उसको मैं अच्छे से भरूंगी खूब ठूस ठूस कर, ताकि ये खूब अच्छे से इसमें भर जाए और इसका निकले ना ये, ताकि जब अच्छे से मैं इसको भर दूंगी तो ये निकलेगा नहीं। ये पनीर के वजह से ये बिल्कुल इसमें बाइंडिंग हो जाएगी और ये निकलेगा नहीं। तो इसमें अच्छे से मैं देखिए ठूस ठूस के भर दे रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी लगता है फ्रेंड, इस तरह का सब्जी आपने अभी खाई नहीं होगी तो ज़रूर एक बार आप ट्राई कीजिएगा। ये जो मेरा बच गया है भरावन इसको मैं मसाले में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें आलू और पनीर ही है। तो देखिए मेरा मसाला भून के तैयार हो गया है, तेल बिल्कुल बाहर आ गया है। तो अब इसमें मैं वही जो भरावन मेरा थोड़ा बचा था इसको मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि ये भुना हुआ पहले से था तो इसको ज़्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। अब इसी में मैं जो आधा पनीर रखी थी ये पनीर भी मैं मैश करके रखी हूँ तो इसको भी मैं इसी में मिला दूंगी और अच्छे से बिल्कुल मिक्स करके चलाऊंगी। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट लगती है और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको कभी भी अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं और कभी भी आपको अगर चटपटा खाने की इच्छा हुई तो ये सब्जी आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और ठंडी के मौसम में तो खास करके ये पसंद आता है। तो मैं इसी तरह की फ्रेंड वीडियो लेकर आती रहती हूँ रेसिपी की। घर मैं बहुत ही ज़्यादा बाहर से कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ करती हूँ, मैं सारे जितनी भी मेरी सामग्रियाँ होती हैं सब घर में ही मैं जहाँ तक होता है मैं यूज़ करती हूँ, ताकि आपको परेशानी ना हो। अब इसमें मैं लास्ट में एक चम्मच के करीब में गर्म मसाला डाल दूंगी और इसको अच्छे से चला करके अब मेरी सब्जी ये बन के बिल्कुल तैयार है। बस इसमें एक उबाल आने की जरूरत है और उसके बाद ये सब्जी तैयार होगी। अब इसमें मैं जो आलू भर के रखी हूँ अब इसको मैं इसमें डाल दूंगी और 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी और उसके बाद मेरी सब्जी ये तैयार है खाने के लिए। बस आप इसको सर्व करके दे सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। तो तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।